इंसाफ में देरी को लेकर कोलकाता की पीड़ित मां का दर्द झलका, बोली ममता सरकार पर भरोसा नहीं रहा, उनकी औलाद होती तो तब दर्द पता चलता। कोलकाता रेप मर्डर कांड पर नहीं थम रही है सियासत, बीजेपी और कांग्रेस के बाद आज से तृणमूल भी सड़कों पर, ममता के छात्र नेता करेंगे कॉलेजों का घेराव, बीजेपी का धरना प्रदर्शन भी जारी। आग लगाने की धमकी वाले बयान पर घिरी ममता बनर्जी, बीजेपी नेताओं की शिकायत के बाद दिल्ली पहुंचे राज्यपाल, गृह मंत्री से हो सकती मुलाकात, दिल्ली और पटना में ममता के बयान दर्ज पर एफआईआर दर्ज। फरुखाबाद में दो लड़कियों के पेड़ से लटकने के मामले में एक्शन, खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में दो लड़के गिरफ्तार, दोनों सहेलियों के अलावा कई और लड़कियों के संपर्क में थे आरोपी। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिराने के मामले में पहली गिरफ्तारी, कोल्हापुर क्राइम ब्रांच ने स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल को पकड़ा, एफआईआर में नाम होने के बाद से ही था फरार। महाराष्ट्र के दौरे पर पीएम मोदी, थोड़ी देर में मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को करेंगे संबोधित, पालघर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। हरियाणा चुनाव के लिए आज आ सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट, सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 55 उम्मीदवारों के नाम फाइनल। यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का दूसरा चरण आज और कल, दो शिफ्ट में परीक्षा, सभी सेंटर्स पर कड़े सुरक्षा इंतजाम, सीसीटीवी कैमरे से हो रही है निगरानी। यूपी के बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जारी, वन विभाग की टीम ने अब तक चार को पकड़ा, दो की तलाश, अब तक 9 लोगों को शिकार बना चुका है आदमखोर भेड़िया। गुजरात में बारिश और बाढ़ का कहर बरकरार, अब तक 32 लोगों की मौत, 11 जिलों में आज भी बारिश का रेड अलर्ट, सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, राज्य के तटीय इलाकों में साइक्लोन का भी खतरा।